कैसे हैं आप लोग? आप लोग वेट कर रहे होंगे कि बिग बॉस में आज क्या होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है घर के अंदर, क्योंकि अब आपने देखा है पासा पलट चुका है। रेड जोन के लोग ग्रीन जोन में आ चुके हैं और ग्रीन जोन से चार लोग रेड जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रेड जोन के जो चार कंटेस्टेंट हैं वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं। अब उनमें से कौन कितना ट्रेंड हो रहा है, किसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और किसके चांसेस ज़्यादा हैं घर से बाहर निकलने के, तो दोस्तों बता दूँ, सबसे पहले नंबर पे है रुबीना दिले की। यस, रुबीना दिले की फ़ैन फॉलोइंग दिन पर दिन आसमान छू रही है, रॉकेट की तरह बढ़ रही है। लेकिन इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग के बावजूद भी अंदर रेड जोन वालों में थोड़ी बहुत कुछ दरारें हो रही हैं, वो आज आपको वीकेंड का वार में देखने को मिलेंगी। तो चलिए वापस आते हैं ट्रेंड वाले उस बातों पर। रुबीना दिले के नंबर वन पे, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग्स हैं, उनको आई थिंक कोई भी अभी एलिमिनेट करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में लंबा बरकरार रहने वाली हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, देवोलीना ने उनको पहले से ही विनर बोला हुआ है, गौहर और हिना को भी वो बहुत इम्प्रेसिव लगी, तो सबका दिल जीत रही हैं रुबीना दिले नंबर वन पे। नंबर दो पे हैं जैस्मीन भसीन। रोती हैं, परेशान होती हैं, एग्रेसिव भी होती हैं, गाली भी दे रही हैं और चिढ़ भी रही हैं, ये सब कुछ मिक्स एंड मैच सारे इमोशंस हमको जैस्मीन भसीन में देखने को मिल रहे हैं। ऑडियंस उनको पसंद कर रही है और भाई हमारे सलमान खान ने उनको टीवी की कटरीना कैफ बोला है, लेकिन आज सलमान थोड़े उनसे खफा नजर आएंगे। उनके रोने धोने के जो टू मच ऑफ ओवर ड्रामा उनका जो राहुल वैद्या के साथ हुआ, उस पर सलमान थोड़े से आज रिएक्ट करने वाले हैं। अब उस पर जैस्मीन का रिएक्शन कैसा आएगा ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन आज का वीकेंड का वार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जैस्मीन और सलमान के बीच में। तो पहला तो हो गया रुबीना जो नंबर वन पे हैं, जैस्मीन नंबर दो पे हैं, नंबर तीन पे कविता कौशिक हैं। जी हाँ, कविता कौशिक जो कि अभी अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री से घर में एंट्री कर चुकी हैं और आते ही कैप्टेंसी भी हासिल कर चुकी है, लेकिन थोड़ी सी देर की कैप्टेंसी थी, एक या दो दिन वाली, तो अब ज़्यादा कैप्टेंसी तो वो नहीं दिखा पाए, लेकिन हाँ उन्होंने अपने रंग रूप बहुत दिखाए। जैसी वो आई थी लग रहा था थोड़ी मस्ती मजाक करेंगी, और वो खुद भी ये कहती देखी गई कि भाई मैं तो फुल ऑन मस्ती के मूड में आई थी, मैंने सोचा था जोक्स मारूंगी, वॉयलेंस नहीं होने दूंगी, ये वो, बट उल्टा उनको सबसे ज़्यादा एग्रेशन में देखा गया, खासकर एजाज पे तो उन्होंने आते ही जो बॉम्ब फोड़े हैं ना, उसका तो कोई कहना ही नहीं। और वहीं निशान मलकानी जो है वो बेचारे नंबर फोर पे हैं, लेकिन अब भाई निशान हैंडसम है, गुड लुकिंग है, ट्विटर पे उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बोलते हैं, गरजते बहुत हैं, बात भी बहुत करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन उनका जो भी मुद्दा या जो भी पॉइंट होता है बात करने का, वो बिल्कुल सॉलिड या कोई ऐसा लॉजिकल वाली बातों पे वो अपनी बात नहीं रखते हैं, बस वो कहीं कहीं फूटते हुए बम की तरह नज़र आते हैं, फिर बाद में ठंडे होकर बैठ जाते हैं। तो ये जो चार लोग रेड जोन में हैं, ये नंबर वन से लेके फोर तक किस तरीके की उनकी वोटिंग चल रही है, अभी कौन निकलेगा क्या होगा ये तो नहीं पता। और एक बात आपको बिग बॉस से जुड़ी मैं बता दूं, आज वीकेंड का वार में सलमान बजाएंगे राहुल वैद्या की बैंड। जी हाँ, राहुल वैद्या की बैंड वो इसलिए बजने वाली है क्योंकि भाई नेपोटिज्म जो कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा है जो कि मतलब सदियों से इंडस्ट्री में चला आ रहा है, उसको लेके सलमान हो जाते हैं खार से नाराज़ राहुल वैद्या से, और वो राहुल वैद्या से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम्हारी सिंगिंग का जो खर्चा था वो किसने उठाया था, तुमने तो बड़े मज़े से जान कुमार सानू को बोल दिया कि भाई मैं तो मेरे बाप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन तुम्हारा सिंगिंग का खर्चा जब तुम पैदा हुए थे तब से खर्चे कौन करते हैं, तो उस पर राहुल वैद्या क्या बोलेंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि सलमान जब पूछते हैं गुस्से में कोई चीज़ तो कंटेस्टेंट कैसे जवाब देते हैं ये हम सबको पता है। तो वहीं वो जान कुमार सानू से पूछेंगे कि क्या तुमको तुम्हारे पापा ने किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में कोई हेल्प की, तो जान बोलते हैं कि नहीं, मेरी अभी तक मेरे पिताजी ने किसी भी तरीके से मुझे कोई सपोर्ट इस तरीके का नहीं दिया। फिर सलमान खान बोलते हैं राहुल को कि राहुल एक बात बताओ, अगर तुम्हारा तो कोई बैकड्रॉप नहीं है सिंगिंग का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जान कुमार जो है वो तुमसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं भाई, उनके फादर हैं कुमार सानू जो एक लेजेंड सिंगर हैं, आज भी उनकी सिंगिंग जो है वो अमेजिंग है, आज भी जो नए जितने भी सिंगर्स आए हैं अगर हम कुमार सानू जी की आवाज़ 90s में जाके सुनते हैं तो उनका कोई तोड़ नहीं है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी, तो वो ऐसे बोलते हैं। फिर वो कहते हैं नेपोटिज्म का मुद्दा घर में आया कैसे,
क्योंकि जब नेपोटिज्म की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, ना सिर्फ बॉलीवुड में ही, बहुत जगहों पर नेपोटिज्म है भाई। अगर किसी के पिताजी अपने बच्चे को, अगर कोई पिता डॉक्टर है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, या किसी ने कोई दुकान खोली है, कोई किराने की दुकान चलाता है, अब अगर उसका बेटा बड़ा होकर किराने की दुकान पर नहीं बैठेगा तो क्या वो पड़ोस के बच्चे को उठा के किराने की दुकान पर बैठाएगा? ऐसा सलमान ने बोला। और सलमान ने ये भी बोला कि मेरे पिताजी भी फिल्म इंडस्ट्री में थे तो क्या आज मैं भी नेपोटिज्म वाले घेरे में आ जाऊँगा? ऐसा नहीं होता। अगर आपके पिताजी मेहनत करके किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो उस मेहनत के लिए वो अपने बच्चों को ही आगे लेके आएंगे, वो किसी पड़ोस के या अपने किसी और जगह के इन बच्चों को उठा के नहीं लाएंगे। वो चाहेंगे अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी इस मेहनत का फल या भलाई उस बच्चे की हो जो उनका खुद का है, ना कि बाहर का, पड़ोस का या इर्द गिर्द का। तो नेपोटिज्म वर्ड पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने तरीके से पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वो जो बच्चा है वो अपने माता पिता की जो भी पीढ़ियाँ हैं, जो कहते हैं ना अगर बिजनेस है, बिजनेस मैन है, वो बिज़नेस को लेके कितना आगे बढ़ता है। हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, हो सकता है उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है किसी और बहुत बड़े कलाकार का जो बेटा है वो बहुत अच्छा एक्टर नहीं बन पाए, वो फ्लॉप हो जाए दो चार फिल्मों के बाद। तो ये सारे इफ़ एंड बट्स लगे रहते हैं। तो अगर नेपोटिज्म का मुद्दा उठेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि नेपोटिज्म का मुद्दा बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे ना उठाया जाए। तो ये तो थी बिग बॉस की कुछ चटपटी कहानियाँ। और आगे क्या होगा और एक्स्ट्रा मसाला बूट में हम क्या देखने वाले हैं, वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, खबरें और भी हैं हमारे पास। थैंक यू।